यार। चल यार भाई दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। आए साग एकदम से निकाली। हम्म, भाई हम रगड़ते हुए ऐसे करते हैं यार, ये चिड़िया ये फटिया ये देख। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, और हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत और नए व्लॉग की शुरुआत। तो बाकी आज वाले व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं देहरादून से 60 किलोमीटर दूर। पहले जाएंगे हम लोग ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद हम लोग जाने वाले हैं, ऋषिकेश से आगे मतलब 20 किलोमीटर दूर है जो कि मतलब कि नीलकंठ रोड पर है। और अभी कहाँ पर जा रहे हैं, एक नई लोकेशन एक्सप्लोर है, मतलब मैं तो अभी तक वहाँ गया नहीं हूँ, पर रील वगैरह मैंने काफ़ी चीज़ देखी, मतलब वायरल हो रखी वो, मतलब रील में वायरल हो रखी है, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। थोड़ा ट्रैक देखने को मिलेगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे, बहुत कुछ। कि हम लोग जिस जगह जाने वाले हैं उस मंदिर का नाम है माँ बाल कुवारी मंदिर, कुछ ऐसा है, अगर मैं गलत हूँ तो सही करना है, यहाँ पे कुछ ऐसी मंदिर का नाम है। तो बाकी चलो वहाँ पहुँच के देखेंगे मंदिर का नाम क्या है असली में। क्या कर रहा है यहाँ पे तू? तो नितिन का है, तू कह रहा वो पहुँच गया यहाँ पे कि वहाँ आने के लिए मना कर रहा हो। साले वहाँ से चलते, जाम कितना लगा हुआ है यहाँ, अबे यहाँ तो अभी और जाम मिलेगा 6 नंबर पे। थानो रोड क्लियर था भाई एकदम, मस्त चलते हैं वहाँ से। मैं वहीं से, मैं तभी तो वहीं से जाता हूँ, यहाँ से तभी नहीं जाता यार मैं। चल फिर आने दे। तो बाकी ये दोनों भी यहाँ मिल गए, आयुष तो पता नहीं क्या कर रहा था यहाँ पे, पहले से ही गाड़ी वगैरह सर्विस दे रहा था शायद से। तो नितिन भी मिल गया, नितिन ने भी ली नई बाइक, तो बहुत बहुत बधाई भाई को नई बाइक की। अभी दिखाएंगे कौन सी बाइक है, वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा साइड में जिसमें वो बैठ के जा रहे थे, आगे रुक के अच्छे से दिखाएंगे। तो हम लोगों का प्लान थोड़ा चेंज हो रहा था अभी नहाने के लिए, पर फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, जिस जगह का प्लान बनाया तो उसी जगह जाएंगे, और बाकी वो जगह एक नई जगह है मतलब कि एक्सप्लोर के लिए, मैं अभी तक मानी गया हूँ। तो बाकी फिर मेरा तो पूरा मन है वहाँ जाने का, तो वहीं चलेंगे, फिर आप लोगों को लोकेशन भी दिखाएंगे। यार वैसे हम लोगों को जाना है ऋषिकेश, पर हम लोग जा रहे हैं डोईवाला होते हुए। यहाँ से ना थोड़ा मतलब कि लंबा इसलिए है क्योंकि ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा पड़ता है, और थाना वाले रूट से ट्रैफिक इतना मिलता नहीं है, तो मेरे को वही वाला रूट सबसे अच्छा लगता है। पर कोई बात नहीं, इसको यहाँ काम था, ये पहले से था यहाँ पे, और फिर अब इसी वाले रूट से निकलते हैं। अब अगर थानों की तरफ से जाएंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, पर यहीं से निकलते हैं हम, छोड़ो। बाकी फिर अभी हम लोग काफ़ी जल्दी आए, ठीक है, और डोईवाला के टोल तक पहुँच गए हम लोग, पर जो हमारे साथ दो बंदे हैं ना वो अभी तक आए नहीं, वो काफ़ी पीछे रह गए। बाकी जो आज का रूट है वो अपना पता है आप लोगों को ऋषिकेश का है, तो अभी जो अपना रूट यहाँ से बचा होगा वो कम से कम नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो 45 किलोमीटर का ट्रैक, वो 45 किलोमीटर का भी अपना ट्रैवल है बचा हुआ, मतलब डोईवाला चौक से, ठीक है। तो 45 किलोमीटर भी हम लोग को जाना है, तो मुश्किल से मुश्किल हम लोग पहुँच जाएंगे 1.5 घंटे में। तो अभी हम अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 11:30 हो गए, तो हम लोग 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, इतना मतलब कि मेरा कैलकुलेशन है। अभी देखते हैं क्या सीन रहता है क्या सीन नहीं रहता, बाकी मेरे को मेन हाईवे से पता है रूट, नितिन दूसरे रास्ते लेके जाएगा, अभी देखते हैं, पहले आ तो जाएगा तभी तो पता चलेगा, अभी तो आया नहीं यार वो दूर दूर तक, अभी आया नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। A few moments later. हेलो, क्या कह रहा तू? लग रहा एक्सीडेंट हो गया यार। किसका एक्सीडेंट हो गया? अबे साले वेपू बना रहा। मेरे से मैं यार से बोल रहा मैं। कहाँ पे हुआ? यार फोन का उसका फोन आया, वो कह रहा कि मतलब उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। निपट गया, कोई कह रहा था पीछे से फोन निपट। अंकल की आवाज़ आ रही थी, कोई भी सही मतलब कि निपटे नहीं, पता नहीं क्या ऐसी आवाज़ आ रही थी, पता नहीं यार अभी फोन आया। हम लोग तो यहाँ पहले रुक गए थे, मैंने आप लोगों को बोला कि हम थोड़ा आगे थे आराम से ही, पर वो पीछे थे काफ़ी, हमें लोग हम लोगों को लगा कि आ रहे होंगे वो, हम लोग यहाँ रुक गए थे। अब उसका फोन आया, वो कह रहा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को लगा पहले सुनो मजाक कर रहा हो, और वो कह रहा कि नहीं सही में कि आ जा वापस। ऐसे सही में एक्सीडेंट हो गया यार उन लोगों का। अरे यार यहाँ से टोल से तो हम लोगों ने यू टर्न मार लिया, देखते हैं ज़्यादा ना लगी उन लोगों को, वो कह रहा उसका मतलब कि फ़ोन टूट गया, खून खून निकल रहा है, पता नहीं क्या चीज़ होगी, जाके देखते हैं यार कहाँ है। हाँ ये खड़े हुए, ये खड़े हुए, ये खड़े हुए, बाइक का भी उद्घाटन। ये कैसे गिरे तुम लोग? अरे हम नहीं गिरे यार, हमारी तो गलती नहीं थी। हाँ? ये और मैं यहाँ से आते प्यार से, बहुत प्यार से, इधर उधर साइड साइड में चल रहे थे। हाँ? एक बंदा कार का जो मिरर होता है ना ऐसे घुमा के ऐसे ओवरटेक करा, उसके एंगल को टकरा दिया। हाँ? ऐसे करके उसको ऐसे करके गिरा दिया पूरा भाई। तुम तो गिर गए थे? हाँ, तुमने अपना जान बूझ के अपनी गाड़ी घुसाई भाई हमारे बीच में, घुसा के एकदम से निकाली। हम्म, भाई हम रगड़ते हुए ऐसे करते थे यार, ये छिड़ गया ये फट गया ये देख, ये गया भाई तो फोन का, फिर तो ये भी फट गया लोअर लवर पूरा, ये देख फोन का ये भी गया, मतलब बच गया फोन,
फोन तो बच गया। चल लगी तो नहीं ज्यादा? लगी तो नहीं ज्यादा? लग गई यार इस तरीके से, ये आया लग रखी ज्यादा नहीं है, बस इसके लग रखी शोल्डर में भाई। अभी जाना पड़ेगा वहां के लिए। तो गाड़ी टैंक तो बच गया लेग गार्ड से, ये भी पूरा आगे से, ये भी पूरा गाड़ी चेंज कराना। ओ भाई अगर ये पूरा खिस गया तो इसकी वजह से बच गई गाड़ी। ये देखना इसमें लोहा लग गया ना, ये पूरा है, ये अभी का तो होगा पूरा है? ये अभी का तो है पूरा, ये हां अभी का ये बच गया इससे पे सही। पहले एक काम कर, केमिस्ट में चलना है, वहां चल ले यार। और क्या करा उसकी छिलिया पीछे पूरा, तब केमिस्ट में चल रहे हैं, बैंडेज वगैरह करा देते हैं उन लोगों की। चलो भाई केमिस्ट मिल गया, यही था फ्लाई ओवर के पास ही, मियाँ वाले फ्लाई ओवर पे। तो अब इन लोगों की फर्स्ट एड वगैरह हो जाएगी तो ठीक रहेगा। क्या यार कितनी आ गया है, अबे उसको बोला वो कह रहा है कि मंदिर के आ जाए, चल जाना। चल यार भाई दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। चल यार ये क्या कर रहा है, ये दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है फिर? आंसू आ गए भाई के, आंसू आ गए भाई के। कहा चिल्लावा? हाय गंदा गया बेटा। अरे कहाँ नहीं चिल्लावा ये पूछ तू, क्योंकि पूछे तो कहाँ चिल्लावा। ये भी है, ये पूरा, ये आज का ही है, ये सब आज का ही पूरा। कुछ मुझे पता है, मुझे मेंशन करेगा मेरे बाल में। इसके तो हो गए ड्रेसिंग, कैसा लग रहा? मतलब पहले से आराम है? हाँ थोड़ा आराम। अब तो नहीं हो रहा दर्द? ऐसा तेरे को ऐसा लग रहा है अंदर से मास्क ऐसा कर रहा? हाँ तो जम जम गर्म, बहुत गर्म हो रहा है। अरे ये हंस रहा है, नीच इंसान है। अगर अपनी बारी हुई है, अगर अपनी पांच मिनट पहले बीमारी हुई है, वो अपनी पांच मिनट पहले हुई है हमारा। भाई जल्दी चलो डॉक्टर के पास, घर चल के रहना डॉक्टर जाके। दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है अभी, समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। ये तो आसरा गिरने के बाद और क्या हुआ कि ऐसे करके मोड़ आया, तो मोड़ में ऐसे करके आगे गया, पर यहाँ से आया कार वाला आया आया आया, उसके अंदर ना मेरा थार था ही, वो थार में थोड़ी कार बोल रहा है, दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है। मैं कह रहा था उसका जो मिरर था ना वो बाइक के लगा हैंडल में, उसने ऐसे करते हुए ले गया और ये ना ऐसे करके घसट गया। आगे मेरे बारे में बजरी थी और ऐसे हो गए तुम लोग। बजरी नहीं, इसकी हैंडल ऐसे मुड़ गया, तुम लोग लगभग राइट की तरफ गिरे ना। हाँ तो वो बजरी में टायर स्लिप हुआ तो यूं हो गए। अब ये ऐसे करके गिरा तो गाड़ी ना ऐसे ये स्लिप हो गई गाड़ी पूरी, तो ये भी आगे गया मैं इसके पीछे पीछे, और ऐसे करते करते मैं इससे आगे निकल गया, इस तरफ से घूम गया मैं आगे निकल गया और ये वहीं पीछे लेटा हुआ। अच्छा ये बाइक में फंस गया था, तो बाइक से आगे निकल गया छटक के। हाँ ये सीन मिस कर दिया यार हमने, हम तो आगे पहुंच गए टोल पे, ये मिस कर दिया। सेकंड का काम था भाई, और ये भी था कि समझ जाए वो, तो मैं समझ गया। मैंने क्या कर, मैंने देखा रोड ऐसे ऊपर निकलता, मैंने आगे पीछे हाथ पैर वो करम नहीं लाया, तब जाके यहाँ पे ये बट गया, ये सब यहाँ पे हल्की फुल्की लगी और यहाँ पे ये सब ज़्यादा मिल गया। जैसा लगाना है क्या ही बुरा होगा, पानी पूरी सब आ गया हाथ का बार तुम्हारा। अरे यार भाई मेरे किले भी आता है आप बार रोटी कर के बजरी भी थी प्लस उसने उसी जगह में टक्कर ही मारी, दोनों तेजी वो हो गया ना फिर वो पीछे करते गए। चलो फिर अब ऐसे ही निकलते हैं हम लोग घर के लिए, और वो बंदा नहीं होना कह रहा बाकी ये यामिया वाला मैं केमिस्ट्री जानती, सही से ड्रेसिंग होगी। अब चल रहे घर, ठीक है चला रहे मैं। इसको दे दे, तेरा कंधे में भी पट्टी हो तो हिली की ऊपर। स्टे सेफ गाइस, सेफ राइड। ड्रेसिंग वगैरह होगी तो बस फिर अब यहाँ से घर ही निकल रहे हैं। आज जिस जगह जाना था वहाँ कैंसिल हो गया, कैंसिल देखो हो गया, इनकी भी गलती नहीं है, गलती बता दिया उसने, इसने कार वाली की गलती थी और वो रुका भी नहीं बिल्कुल। चलो यार अब यहाँ से घर ही निकलते हैं। मिस्टर मायूस हैं, वो भी फ़ोन में लगा हुआ देखो।
चलो ऐसे गाड़ी चल रहे हैं।